Let's now bring you an exclusive interview. General Manoj Pandey took charge as the 29th Chief of the Indian Army and after General M.M. Narvane retired from the service. General Manoj Pandey is the first officer from the Corps of Engineers to take charge of the Army staff. General Pandey, in a special conversation only with India Today TV, spoke about the China strategy and said China cannot change the status quo. He also added that Army will defeat terrorism in Jammu and Kashmir. Just to give you a background about General Pandey, he has a military career, spans over 39 years, and General Pandey has held prestigious command and staff assignments in conventional, also as counter-insurgency operations in all types of terrain. So there's, of course, massive experience backing him. General Pandey has served as the Eastern Army Commander also before he took over as the Army's Vice Chief. Now, he's also an alumnus of the National Defence Academy. He was commissioned in the Corps of Engineers in December 1982. General sir, भारतीय सेना के लिए दो मोर्चों पर चुनौती होती है, चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी हैं. लद्दाख की बात करते हैं, वहाँ पर पिछले दो साल से हमने जिस तरह के घटनाक्रम देखा है, आपकी क्या आपके सामने चुनौती होगी, क्या आपकी कोशिश होगी कि वहाँ पर जो हालात हैं, जो पहले हालात थे, उसको वापस उस हालात पर हम पहुँचे. आपको ज्ञात है कि तकरीबन दो साल पहले जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन थी और जो हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी है उनके अनप्रोवोक्ड और यूनिलैटरल एक्शंस के कारण जो एक स्थिति बनी थी, मैं समझता हूँ कि उसको हमने सही तरीके से डील किया हुआ है. और पिछले दो साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है. जहां तक एलएसी पर एक्टिविटीज़ का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं. लेकिन हमारे मन में ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा या फिर टेरिटरी का जहाँ तक मामला है उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. हमारे फोर्सेस एलएसी पर अहम जगह पर, इम्पोर्टेंट जगह पर सही दिशा में सही तरह से तैनात है. हालांकि इंक्लीमेंट वेदर के बावजूद ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं. चौथा, हम समझते हैं कि इस मसले का हल तभी निकलेगा जब हम दोनों पार्टीज या बोथ साइड्स कंटिन्यू टू टॉक एंड एंगेज, एंड दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट बाय मिक्स ऑफ डिप्लोमेटिक, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल मेथड्स वी विल सून फाइंड अ रिजोल्यूशन टू द ऑनगोइंग प्रॉब्लम. बट In all this, our effort and guidance to troops is to maintain the current situation and find or work towards a resolution in finding an answer to this challenge. जनरल साहब, जो दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान के साथ, जो सरहद है, वहाँ पर हमने देखा, खासतौर पर कश्मीर की बात करें तो धारा 370 खत्म होने के बाद अब जो हालात हैं, पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर का समझौता हमारा चल रहा है, आपको लगता है कि हालात वहाँ पर जो आतंकी घुसपैठ अभी भी लगातार हम देखते हैं, उस मोर्चे पर क्या आपकी रणनीति होगी, किस तरह से उस को निपटेंगे आप? तो सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि जो DGMO लेवल पर अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड्स के बीच में हुई थी उसका काफ़ी फ़ायदा उठा है. उसके कारण ग्राउंड सिचुएशन पे काफ़ी मात्रा में इम्प्रूवमेंट भी हमने देखी है और इसका फ़ायदा डायरेक्टली जो लोग LC के दोनों तरफ रहते हैं उनके जीवन शैली और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है. पर जहाँ तक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स का सवाल है, उसमें हमको कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं है जिसके कारण मैं कह सकूं कि उसमें कोई कमी हुई है. बल्कि जितने भी टेररिस्ट संख्या या नंबर्स के हिसाब से मैं कहूंगा कि उसमें थोड़ी वृद्धि ही हुई है. जहां तक वायलेंस लेवल्स का सवाल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर
उसमें कुछ मात्रा में कमी हुई है, लेकिन हिंटरलैंड में जो वायलेंस है उसमें उतना सिग्निफिकेंट हमको इम्प्रूवमेंट दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड LC पर सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान ने उसके चलते अभी अपना फोकस और ध्यान, मैं कहूंगा नार्को टेररिज्म नेक्सस जिसे कहते हैं हम, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हमारा जो IB का इलाका है जम्मू में या फिर उसके फर्दर साउथ पंजाब में, वहाँ पर गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, स्मगलिंग ड्रॉपिंग ऑफ आर्म्स थ्रू ड्रोन्स, इस तरह की कई एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। तो मैं समझता हूँ और कहना चाहता हूँ कि एक तरह से हाइब्रिड थ्रेट अभी पाकिस्तान से वो अभी भी इट इज स्टिल प्रेजेंट, बट वी आर वेरी क्लियर दैट एनी एक्ट्स ऑफ टेरर, एनी एक्ट्स ऑफ सच एक्टिविटीज विच आर एनिमिकल टू आर इंटरेस्ट विल बी डेल्ट विथ फर्मली अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस।